हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे दो ऐसे स्टॉक्स की जिनको मैं कहूंगा खरा सोना। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि खरीदें कब इन स्टॉक्स को, यानी कि किस तरीके की अभी स्थिति कंडीशन चल रही है इन स्टॉक्स में, उनके बारे में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उन पर क्लिक करके आप डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो। और अब मैं सीधे आपको इन स्टॉक्स के लिए लेके जा रहा हूं। देखिए स्ट्रॉन्ग शेयर हैं, वैल्यू शेयर हैं, जरा देखिए ध्यान से इन स्टॉक को। पहला स्टॉक है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। दो स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, दोनों एक ही सेक्टर के स्टॉक्स हैं। इनके बारे में इनको कंपेयर करके देखेंगे। यहाँ पे पॉलीकैब इंडिया 898 के प्राइस पे ट्रेड जरूर कर रहा है। फ्राइडे को फ्लैट सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला था। और मैं अगर कारोबार की बात करूं फ्राइडे को, तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख शेयर्स ट्रेड हुए थे, जिसमें 45,000 शेयर्स की मैं कहूंगा डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिली है। दूसरी हम बात करेंगे केई इंडस्ट्रीज अगेन वायर्स एंड केबल्स की दुनिया का शेयर 400 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं फ्राइडे के कारोबार की बात करूं तो 68% की डिलीवरी मुझे देखने को मिली है। 2.5 लाख से ज्यादा शेयर्स यहां पे ट्रेड हुए, जिसमें वो 1,70,000 से ऊपर की जो है यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिली है। सबसे पहले फंडामेंटल्स की बात करते हैं। जरा देखिए पॉलीकैब के शेयर को। पॉलीकैब वायर्स एंड केबल की दुनिया का, टेलीविजन में आप परेश रावल जी के साथ एड जरूर देखते होंगे रेगुलर बेसिस पे। और फिर हम यहाँ पे देखेंगे केई इंडस्ट्रीज। सेम देखिए, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, कहीं पे नई सिटी डेवलप हो रही हो, तो वायर्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत हो जाती है आजकल की डेट में, आपको पता ही है। कहीं पे अगर आप देखें फ्लैट्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है बड़ी बड़ी, तो इन वायर्स का बहुत इंपॉर्टेंट यूज हो जाता है। और कंस्ट्रक्शन का काम इंडिया में बहुत अच्छा खासा है। और आप देखिए हैवल्स के वायर्स पहले बहुत ज्यादा चलते थे, लेकिन अब पॉलीकैब, केई इंडस्ट्रीज, इन्होंने मार्केट में पकड़ बनानी स्टार्ट कर दी है। अब मैं कंपेरिजन देखिए, एक एक करके कंपेरिजन यहां पे करूंगा। और आप ध्यान से देखिए पॉलीकैब इस इंडस्ट्री में बड़ा प्लेयर है। आप देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर मैं इसका देखूं तो सीधे सीधे 13,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन। और करंट प्राइस आपने देखा इसका 900 के आसपास है। और अगर मैं पी रेशियो देखूं तो हर 18 रुपए पे आपको 1 रुपया कमा के दे रहा है। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखते हैं पॉलीकैब की तो 17% की है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कितना, 47% का पिछले 3 साल का एवरेज। तो यानी कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। पीजी रेशियो भी बहुत ही अच्छे लेवल पे है, डेट ना के बराबर है। और प्रमोटर होल्डिंग 68% के आसपास है। यही चीज अगर मैं देखूं यहाँ पे केई इंडस्ट्रीज में, तो केई इंडस्ट्रीज को अगर आप देखोगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये 3,500 करोड़ के आसपास है, यानी कि उसके कंपैरिजन में आपको कम जरूर लग रहा है। लेकिन अगर सेल्स ग्रोथ देखो तो उसकी 17% थी पॉलीकैब की, इसकी 23% के आसपास है, जो मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट ग्रोथ तो इसमें भी कोई कमी नहीं है, 40% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ इसका भी है। अगर पी रेशियो को कंपेयर करूं मैं तो ये 14 के पी पे ट्रेड कर रहा है और पॉलीकैब 18 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो सस्ता कौन सा है? और अभी के टाइम पे केई इंडस्ट्रीज, और छोटा शेयर है ये, लेकिन वो एक बड़ा प्लेयर है इस सेक्टर में। पीजी रेशियो को अगर कंपेयर करें तो 0.28 केई इंडस्ट्रीज पीजी रेशियो में भी अच्छा है। डेट की अगर बात करें तो डेट इतना ज्यादा यहाँ पे भी नहीं है, 300-350 करोड़ के आसपास का डेट यहाँ पे भी है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड की बात करूं केई इंडस्ट्रीज में 28% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 22% का। सेम चीज अगर मैं पॉलीकैब पे आपको लेके चलूं तो देखिए पॉलीकैब का क्या डिटेल है, ये 29% के आसपास है, 22% के आसपास है। तो सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ आपने देखा तो केई इंडस्ट्रीज आपको अभी भी के प्राइसिंग के हिसाब से थोड़ा सस्ता लग रहा होगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि पॉलीकैब तो मार्केट में लिस्टेड प्लेयर्स में नया प्लेयर है, लेकिन केई इंडस्ट्रीज बहुत टाइम से लिस्टेड है। और पॉलीकैब बड़ा प्लेयर है तो ज्यादा लोग उसकी तरफ यहाँ पे आकर्षित होते हैं कि हाँ, एक इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ऊपर है, तो हम यहाँ पे कम रिस्क हमको देखने को मिलेगा। जनरली लोगों का स्मॉल कैप और मिड कैप से इस तरीके से जो है एक रिस्क लेवल भी लोग देखते हैं। यार केई इंडस्ट्रीज 3,500 करोड़ का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इससे अच्छा मैं पॉलीकैब की तरफ जाऊँ, इस तरीके से सिचुएशन होती है। लेकिन अगर आप देखो तो दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, अपनी अपनी जगह है। अब मैं पॉलीकैब इंडिया और इन दोनों को कंपेरिजन करता हूँ। जरा इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं कि पॉलीकैब में किस तरीके से इनका हिसाब किताब है। जब से मार्केट में आया, ज्यादा टाइम तो हो नहीं है इसको मार्केट में आए हुए, लेकिन अगर मैं देख पा रहा हूं पॉलीकैब में जून 2019 में सबसे ज्यादा शेयर्स देखिए, 4.39% म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थी, यानी कि 65 लाख शेयर्स इनके पास थे। कितने? 65 लाख शेयर, जो कि सितंबर में थोड़ा कम हुए, 62 लाख शेयर हुए, फिर दिसंबर में और कम हुए और अभी के टाइम पे जून के डाटा के हिसाब से मैं देख पा रहा हूं कि पॉलीकैब और मैं मिनिमम है किसका म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कितनी है 38 लाख शेयर्स। आप देखिए 65 लाख शेयर से 38 लाख शेयर्स अभी बहुत कम होल्डिंग यहाँ म्यूचुअल फंड वालों की है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ म्यूचुअल फंड का एक डाटा मुझे देखने को मिल रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों का डाटा देखूँ तो इनकी होल्डिंग भी अभी 67 लाख शेयर्स है जो कि जून 2019 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। उस टाइम पे इनके पास कम शेयर्स थे लेकिन इन्होंने धीरे धीरे खरीदारी कर करके अभी जून तक अपना डेटा 67 लाख शेयर्स 49 लाख शेयर से बढ़ के यहां तक पहुंच चुके हैं। और अगर मैं रिटेल निवेशकों की बात करूं तो रिटेल निवेशकों के मात्र मैं कहूंगा 1,24,000 रिटेल निवेशक पॉलीकैब में इन्वेस्टेड है और इनकी होल्डिंग्स का किस तरीके से अनुमान रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे कि जून में तो 4.30% के आसपास 63 लाख शेयर थे और अभी लास्ट ईयर जून में और अभी के जून में 67 लाख शेयर्स के आसपास इनके पास है। मार्च में थोड़ा कम जरूर हुआ लेकिन जून में अभी इन्होंने खरीदारी कर रखी है। और सिमिलरली अगर मैं KEI इंडस्ट्रीज की तरफ आपको लेके चलूं तो यहाँ पे कैसा डाटा है जरा उसके ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की, जरा म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे फिर और डिटेल में यहाँ पे चलेंगे। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे बड़े बड़े नाम हैं, L&T म्यूचुअल फंड, ICICI पोटेंशियल, DSP इंडिया और अगर फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की बात करो तो गोल्डमैन सैक्स जैसे प्लेयर यहाँ पे इन्वेस्टेड है। जरा देखिए म्यूचुअल फंड की किस तरीके की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जैसे आपने देखा कि पॉलीकैब में कम हुई थी लेकिन यहाँ पे कम नहीं हुए, यहाँ पे अग्रेसिवली बढ़ी है। पिछले साल जून में देखिए 15.47 का डाटा था, उससे पहले 10-11% तक का डाटा था लेकिन ये लगातार बढ़ती जा रही है और अभी के टाइम पे 21% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड वालों के पास है KEI इंडस्ट्री में, यानी कि 1,88,00,000 शेयर्स इनके पास है। आपको कह रहे तो बहुत ही जबरदस्त होल्डिंग है और 21.02% मार्च में थोड़ा सा और बढ़ा, अभी और बढ़ गया। तो लगातार खरीदारी KEI इंडस्ट्रीज में चल रही है म्यूचुअल फंड की। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों का कैसा डाटा है वो देखिए, इनके भी डाटा में कोई कमी नहीं है। दिसंबर 2018 के बाद लगातार खरीदारी यहाँ पे कर रहे हैं और 13 लाख, अब देखिए छोटा शेयर है तो यहाँ पे ज्यादा खरीदारी म्यूचुअल फंड और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक कर रहे हैं KEI इंडस्ट्रीज पे। तो देखिए मैं आपको कहीं कह रहा था कि रिटेल निवेशक क्या सोचेंगे, पॉलीकैब में थोड़ा सेफ है लेकिन म्यूचुअल फंड वाले अपोजिट KEI इंडस्ट्रीज में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सस्ता दिख रहा है। पीई रेशियो आप देखिए, पीजी रेशियो देखिए तो वैल्यूएशन में वो काफी सस्ता दिख रहा है। ऑल्दो छोटा स्टॉक है लेकिन सस्ता दिख रहा है तो वहां पे पैसा बह रहा है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं यहां पे टेक्निकल चार्ट पे। देखिए टेक्निकल चार्ट पे बात करेंगे पॉलीकैब की फिर KEI इंडस्ट्रीज की। दोनों शेयर को मैं एक साथ ही लेके आता हूं जनरली क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम कैटेगरी के शेयर है। अब देखिए पॉलीकैब जब मार्केट में आया था, ये मंथली चार्ट है इसका, मार्केट में आया था, करेक्शन आई थी, करेक्शन का रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट 640 के लेवल पे पार हुआ, उसके बाद आप तेजी देख सकते हो। लेकिन मैं बार बार, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, भूल जाते हैं शेयर को खरीद के, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हाँ भूल जाइए शेयर को खरीद के, लेकिन जब आपको ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक जरूर कीजिए। यहाँ तक कि बड़े बड़े निवेशक जितने भी होते हैं तो वो अपने टाइमली कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सारा माल वो बेच देते हैं, कुछ माल को रहने देते हैं, लेकिन कुछ प्रॉफिट बुक करना भी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये शेयर 1160 के लेवल तक जरूर गया था, 600 के लेवल से, तो अगर आपने कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया जब इसकी सिचुएशन बुरी हो रही थी तो अच्छी बात है। और वापस देखिए कहाँ पे आया, बेस कहाँ पे था, वही 500-600 का लेवल, जो पुराना बेस इसका था 2019 का, उसी लेवल पे वापस बेस बना। अब फिर से तेजी जरूर आई है। बार बार मैं यही कह रहा था कि करेक्शन रेजोल्यूशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो देखिए समझिए करेक्शन रेजोल्यूशन। अभी मंथली पे तो आपको दिख रहा होगा यार भागते जा रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं वीकली पे, और वीकली को समझिए जरा। अब यहाँ पे वीकली में जो आपको लेके आया, देखिए बॉटम पॉइंट 560-570 के आसपास का ये था, पहली रैली आपके पास आई, करेक्शन आया, देखिए अब तक मैं कहूँगा इस करेक्शन तक फिर भी वीकनेस थी लेकिन ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ ऑलमोस्ट 680 के लेवल के आसपास। विद अ स्टॉप लॉस आप इसमें एंट्री कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट एंट्री का लेवल जो है वो अब बना। ये सेकंड रैली जब मैं आपको कहता हूं कि हायर हाई बन जाए, देखिए हायर हाई बन चुका है, अब की करेक्शन हमारी जो है वो हायर लो बना के जो हमें देगी वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जब इसमें हायर हाई बनने के बाद हायर लो, ये करेक्शन आई, ये करेक्शन इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्शन है, इसका रेजोल्यूशन हो रहा है, साथ के साथ ब्रेकआउट के आसपास शेयर जा रहा है, मैं कहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। और साथ के साथ आपको स्टॉप लॉस 800 के आसपास स्टॉप लॉस रेडी हो चुका है। अब बात आती है करेक्शन के रेजोल्यूशन की। रेजोल्यूशन 840 से स्टार्ट हो चुका है और अभी ये ब्रेकआउट के नियर है। क्या ब्रेकआउट के बाद पुलबैक आएगा? पॉलीकैब की हम बात कर रहे हैं, ब्रेकआउट के बाद पुलबैक को छोटे जो है टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश करते हैं। इस ब्रेकआउट को जिसकी हम बात कर रहे थे कि ब्रेकआउट की, देखिए ये ब्रेकआउट के आसपास गया है, ब्रेकआउट अच्छा हुआ है, अब ब्रेकआउट के बाद पुलबैक की सिचुएशन चल रही है। देखिए ब्रेकआउट के लिए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताते हैं, क्या या तो आपकी डिमांड ऊपर जाती जा रही है। अब देखिए यहाँ पे डिमांड धीरे धीरे ऊपर, ये आपको खिसकती गई डिमांड। देखिए अब आपको क्या, ये तो हेड एंड शोल्डर बना के आप दिखा रहे हो, डेफिनेटली हेड एंड शोल्डर आप इसको कह सकते हो, लेकिन हम कहते हैं इसको यार डिमांड ऊपर जाती जा रही है। तो अगर ब्रेकआउट सीधे हिट होता है तो पुलबैक भी अगर आपको देखने को मिले तो भी अच्छी सिचुएशन है। अब यहाँ पे पुलबैक नजर आ रहा है। अब ये पुलबैक पार होकर 920 जब पूरा पार हो जाएगा तो आपके पास स्टॉप लॉस जो आपने अगर पहले खरीद रखा है ये तो ट्रेल कर लोगे यहां तक, अदरवाइज ये स्टॉप लॉस है। तो ये तो आपने देखा एक स्टॉक जो कि पॉलीकैब है। आप काई इंडस्ट्रीज को देखिए, सिमिलर लाइन पे काई इंडस्ट्रीज के टेक्निकल को अगर मैं देखूं तो लगातार तेजी जरूर देखने को मिल रही है, पिछले मंथ के हाई को पार करने की कोशिश कर रहा है। वीकली पे समझने की कोशिश करते हैं, सेम स्ट्रक्चर जैसा आप पॉलीकैब में देख रहे थे वही काई में है। लो पॉइंट 200 के आसपास, तब तक डर का माहौल था। और अगर आप यहाँ पे देखें लोअर हाई बने थे, लोअर लो टूटते ही आपने देखा कैसा पेन आया आपके सामने। अब यहाँ पे सीरीज देखिए वापस ही हो चुकी है, ये देखिए ये करेक्शन का रेजोल्यूशन, लेकिन हायर हाई बन चुका है और ये फ्लैट करेक्शन, और इस फ्लैट करेक्शन का रेजोल्यूशन मुझे देखने को मिल रहा है और ये पार होता हुआ दिख रहा है, साथ के साथ पुलबैक भी मुझे दिख रहा है। और अगर मैं देखूं डेली टाइम फ्रेम पे तो मुझे और पिक्चर जो है क्लियर होती हुई नजर आएगी। देखिए 200 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज के लाइन के आसपास अटका हुआ है, ये ब्रेकआउट का एरिया। लाइन ड्रॉ करता हूं जाके आप समझ पाओ, यहाँ पे ब्रेकआउट के एरिया में जैसा पॉलीकैब में सिचुएशन थी, सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। धीरे धीरे आपके डिमांड ऊपर जाती जा रही है और ब्रेकआउट के बाद पुलबैक दिख रहा है। और मुझे लगता है कि ये पुलबैक अगर सक्सेसफुल हो जाए तो यहाँ पे अगली रैली आपको देखने को मिल सकती है और स्टॉप लॉस आपका रेडी है। तो फिलहाल ये करेक्शन जो चल रही है अभी, इसका रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने काई इंडस्ट्रीज और पॉलीकैब की बात करी है। वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।